इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सांस की लेने में भी परेशानी होती है, इसको स्लीप एपनिया बोलते हैं टेक्निकली। तो इसमें तो अब ये जो पेशेंट है मोटे तो नहीं है, विशेषकर बहुत मोटों में ज़्यादा ये दिखाई देता है, जी और उनका जो पोस्चर है, जो जिस तरीके से वो सोते हैं, कहीं करवट लेकर तो नहीं सोते, या गर्दन में बहुत ऊंचा तकिया लगाने से ही परेशानी हो सकती है। जी अगर जैसे बहुत से मैं देखता हूँ दो दो तकिया लगा के सोते हैं, तो ऊंचा तक बहुत ऊंचा तकिया ना लगाएं, गर्दन का लेवल जो है वो सीधा रहे, उठाना वो, जी तो क्या इससे लगता है कि डॉक्टर साहब ये रोकथाम जो खराटों की है ये रुक इससे सकती है? काफी फर्क पड़ेगा। अगर आप जैसे आपको ये बताया गया है, जी अगर आप ये करें और मोटापा ना हो, कोशिश ये करें कि अपने शरीर का जो मोटापा है वो ना बढ़े इतना, जी तो चलिए यहाँ पर जो आइडियल बॉडी वेट पे। बिल्कुल जिस तरह का वेट जब बॉडी में होता है तो जाहिर सी बात है दिक्कतें यहाँ पर आती हैं, और यहाँ पर कोशिश की जाए कि डॉक्टर साहब ने जो बताया था कि व्यायाम यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर करना चाहिए, थोड़ा बॉडी को यहाँ पर फिट ज़रूर रखना चाहिए। और साथ ही जिस तरीके से जो बच्चों की यहाँ पर खाने को लेकर जो एक अहम बात यहाँ पर निकल कर आई है कि बच्चों को फास्ट फूड ना दें बल्कि घर का बना हुआ खाना दें, क्योंकि बच्चों के शरीर को बहुत ज़्यादा लगता है। चौधरी जी, उसके अलावा जिस तरीके से हम देखते हैं कि बच्चों की समस्याओं के साथ साथ जो ऐब अब बच्चों में आ रहे हैं, चाहे वो शराब का हो, सिगरेट हो, या फिर कई तरह के ऐसे ऐप हैं, इनको लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं? देखिए, मैं इसके लिए आगे भी कोई प्रोग्राम को करना चाहूँगा इसमें, जी कि बच्चों के अंदर जो आज प्रॉब्लम है, जैसे टीवी बहुत ज़्यादा देखना, कंप्यूटर्स यूज़ करना जी या मोबाइल को यूज़ करना, इस टाइप की इन चीज़ों के लिए जो है काफ़ी बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा, उनकी आदतें छुटानी पड़ेंगी। तो जी उसके लिए हम चाहेंगे किसी मनोवैज्ञानिक को बुलाएं इसी प्रोग्राम में जी और इसके ऊपर लोगों को जागरूक करें कि ये जितनी भी सोशल साइट्स वगैरह बच्चे आज बहुत छोटी उम्र में सोशल साइट्स यूज़ कर रहे हैं, जी उनको यूज़ ना करें, उनको उनका गलत इफेक्ट सारा जो है बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, उनकी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है, उनकी पढ़ाई पे फ़र्क पड़ता है, उसके बहुत कई माइंड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि बच्चे इस उम्र में जो है इन चीज़ों से दूर रहें, इनसे बचाव करें, पेरेंट्स को इन पे कंट्रोल करना चाहिए कि अपने बच्चों को ना ज़्यादा टीवी दें ना मोबाइल दें। आज मोबाइल शौक हो गया बच्चों को, आज जी 10th में कोई पढ़ रहा है या 8th में पढ़ रहा है या फिफ्थ तक के बच्चे जो है मोबाइल रखते हैं। जी जी बिल्कुल, इसी इसी के दुष्प्रभाव के डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं।